भगवान श्री राम की तपोभूमि है चित्रकूट। श्री राम ने अपने वनवास के तकरीबन 12.5 वर्ष चित्रकूट में गुजारे थे। चित्रकूट धार्मिक पर्यटन स्थल एवं विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाइयों व बहनों, इसी चित्रकूट में इस बार उपचुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव चित्रकूट के कर्मठ, जुझारू व लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी के आकस्मिक निधन होने के कारण हो रहा है। चित्रकूट के साथ एक और नाम यहाँ के नागरिकों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है, वो है स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी के निधन से किसी ने अपना भाई खोया है तो किसी ने अपना साथी, किसी ने तो मानो अपना रहनुमा ही खो दिया हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो श्री प्रेम सिंह जी के बिना अपने को अनाथ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है मानो उनका मसीहा उनसे दूर चला गया हो। स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी चित्रकूट की आशा थे, जन जन के विश्वास थे, उन्नति व विकास की धारा का प्रवाह थे। उनके बिना यहाँ का नागरिक अपने आप को लुटा पिटा सा महसूस कर रहा है। ये क्षेत्र कांग्रेस का हमारे एक मुद्दा है कि बीजेपी भगाओ प्राण बचाओ। ये जनता जब जवाब देगी 9 तारीख को, और जब 9 तारीख को जवाब देगी तो प्रेम सिंह भैया का जवाब बीजेपी को मिल जाएगा कि अभी प्रेम सिंह मरे नहीं है, अभी प्रेम सिंह जिंदा है। क्षेत्र की जनता से उनके हमेशा आत्मीय व घरेलू संबंध रहे हैं। चित्रकूट की जनता आज श्री प्रेम सिंह जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए संकल्पित है। इस उपचुनाव में स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी के प्रति जनमानस का प्रेम एक इतिहास रचेगा। चित्रकूट की जनता का यह विश्वास है कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी के सच्चे उत्तराधिकारी सिद्ध होंगे। चित्रकूट का यह उपचुनाव तय करेगा मध्य प्रदेश का उज्जवल भविष्य। इस उपचुनाव की गूंज 2018 में बदल देगी प्रदेश के कुशासन वाली भ्रष्टाचारी सरकार। क्षेत्र के विकास में जहां भी आवश्यकता पड़ी प्रेम भैया ने हमेशा आगे बढ़कर सहयोग किया। इस आश्रम का निर्माण मुखिया विधायक जी रहे, मेन रहे विधायक जी प्रेम सिंह जी, और संपूर्ण क्षेत्र के सहयोग से उन्होंने इसका निर्माण करवाया और निर्माण करा करके शासन की प्राण प्रतिष्ठा श्री बड़ीदेव स्वामी आश्रम के नाम से आज विगत वर्षों से जाना जा रहा है। उनका शरीर जरूर चला गया है लेकिन उनकी आत्मा आज भी इस जगह विद्यमान है और उनकी आत्मा निरंतर भगवान के श्री चरणों में विलीन हो चुकी है। स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी का निवास सोनी वनम आंखों से आज क्षेत्र को देख रहा है। ये वही तख्त है जहां बैठकर प्रेम सिंह जी क्षेत्र की जनता की समस्याएं व उनके सुख दुख सुना करते थे।
पूजा जी जो हैं तो वो हमारे पिता समान हैं, हम उनके हमेशा साथ में हैं, साथ में रहेंगे और अच्छे मन से बब्बा जी के लिए सारे परिवार जो है तो उनके नाम पर एक बार सच्ची श्रद्धांजलि देकर नीलांशु भैया को उनकी सीट पर बैठाया जाए। और बाकी जो है आप लोग खुद आगे समझदार मनुष्य, ठीक है। श्री प्रेम सिंह चित्रकूट के मिलनसार, सुहृदय, लोकप्रिय व जन जन की पसंद के विधायक थे। उन्होंने चित्रकूट के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। अनेक अथक प्रयास उन्होंने चित्रकूट के विकास के लिए किए। श्री प्रेम सिंह के निधन से आए खालीपन को दूर करना बेहद कठिन है, किंतु उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने एवं उनके मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने युवा, कर्मठ व ऊर्जावान प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी के प्रति यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलांशु चतुर्वेदी को भारी मतों से विजयी बनाएं। कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान, कर्मठ व युवा प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। हाथ के पंजे के सामने वाली बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी को भारी मतों से विजयी बनाएं। चित्रकूट हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी के बाद हुए विधानसभा चुनाव में प्रथम सीट कांग्रेस को ही मिली थी। चित्रकूट को कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश के नेताओं का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह, राहुल भैया निरंतर क्षेत्र के दौरे पर निकले हुए हैं। राहुल भैया का स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी के साथ बेहद भावनात्मक संबंध रहा है। चौदह साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार सिर्फ एक चीज के लिए अब जानने लगी जानकारी है, ये घोषणाओं की सरकार है, आयोजन की सरकार है और भ्रष्टाचार की सरकार है।
हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई घोषणा और कोई ना कोई नया आयोजन। जब किसान भूखा है तो शिवराज सिंह जी पर्यटक उत्सव करते हैं। जब यहाँ पर भावांतर योजना चालू होना होता है तब वो विदेश के दौरे में जाते हैं। जब यहाँ के युवा लोगों को रोजगार चाहिए तो व्यापम का घोटाला होता है। जब चित्रकूट के मझगवां में कुपोषण दूर करने की बात होती है तो कुपोषण आज मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक है कुपोषित बच्चों। कहने के लिए शिवराज सिंह जी बच्चों का मामा है। दुख तो इस बात का है कि आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक कुपोषण में मध्य प्रदेश है। यदि हम चित्रकूट की बात करें तो 13 साल से शिवराज सिंह जी चित्रकूट की तरफ उन्होंने नजर नहीं डाली। चित्रकूट की हालत क्या है, यहाँ के किसानों को जब मुआवजा चाहिए तब चित्रकूट का ध्यान नहीं आया। जब यहाँ पर सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की बात हुई तब शिवराज सिंह जी को चिंता नहीं हुई। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ का गरीब की सोच शिवराज की नहीं हुई क्योंकि यहाँ से कभी चुनाव जीतते नहीं। लेकिन प्रेम सिंह जी के निधन के बाद शिवराज सिंह जी के पॉलिटिकल रडार में बार बार अब सिर्फ चित्रकूट दिखाई देता है कि किस तरह हम इस उपचुनाव को जीतें, ये चिंता सता रही है। लेकिन चित्रकूट का निवासी 9 तारीख को बता देगा कि ये भगवान राम की तपस्थली है, ये चित्रकूट है, यहाँ का आदमी बिकाऊ नहीं है। 2017 के चित्रकूट उपचुनाव पूरे मध्य प्रदेश में एक लहर पैदा करेगा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार और इस भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ बाहर करेगी। सभी के गार्जियन, हम सभी के पिता तो आदरणीय प्रेम सिंह भैया जो यहाँ से लगातार एमएलए रहे हैं और लगातार उन्होंने लोगों की सेवा करी, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इस वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। रही बात क्षेत्र की, तो क्षेत्र में जो प्रेम भैया ने किया है, अनवरत रूप से जो किया है, लोगों की जो सेवा की है, वो एक मिसाल है। वो जो बातें करते थे उनकी बातों में जीवन का हर एक बात में, हर एक शब्द में जीवन का सूत्र था। कांग्रेस पार्टी की बात करें, हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया जो लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए, उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है हम लोगों को और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उन्हीं की ताकत के साथ हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ लड़ाई में है और दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव धर्मयुद्ध है। एक तरफ सत्य है और एक तरफ असत्य है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए रही है, हमेशा सुख दुख में लोगों के साथ खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिमाग से राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग दिल से राजनीति करते हैं, ये बेसिक फर्क है। 13 साल के इतिहास में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र याद नहीं आया है, लेकिन सत्ता की लोलुपता देखिए, सत्ता की लालच देखिए कि जैसे ही हमारे आदरणीय प्रेम भैया का यहाँ से स्वर्गवास होता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंत्री मुख्यमंत्री सारे यहाँ पे डेरा डाल देते हैं और लगातार घोषणाएं करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, मेरा सिर्फ कहना इतना है कि पत्थर लगा देने से, रोड बना देने से असली विकास नहीं होता है। असली विकास तब होगा जब यहाँ के युवाओं की जेब में पैसे होंगे, यहाँ के लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, यहाँ के लोग अपने दमदारी, इज्जत, मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। देश में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, देश ने व प्रदेश ने उन्नति की है, देश की विकास की राह प्रशस्त रही है। विकास व प्रगति की पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जिसने बुनियाद बनाई, उन्नति की राह
जाएं इस बात पे, बटन दबाएं हाथ पे। चित्रकूट का चुनाव प्रदेश की दिशा तय करेगा। चित्रकूट का ये उपचुनाव तय करेगा मध्य प्रदेश का उज्जवल भविष्य। इस उपचुनाव की गूंज 2018 में बदल देगी प्रदेश के कुशासन वाली भ्रष्टाचारी सरकार। कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान, कर्मठ व युवा प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। हाथ के पंजे के सामने वाली बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी को भारी मतों से विजयी बनाएं। आगामी 9 तारीख को चित्रकूट अपना श्रद्धांजलि मत देकर एक रिकॉर्ड स्थापित करेगा। विश्वास जगाएंगे, बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार, सबकी यही पुकार। कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस।